2019 का पहला महीना वाराणसी एयरपोर्ट के लिए बेहद खास, अब तक सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद। वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 2019 का पहला महीना खास होने वाला है। 21 से 23 जनवरी तक होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के कारण एयरपोर्ट पर आने जाने वाले देशी विदेशी यात्रियों की संख्या के साथ ही VVIP के आगमन का रिकॉर्ड भी टूटने की उम्मीद है। अभी तक वाराणसी एयरपोर्ट पर प्रतिदिन 64 विमानों के जरिए 8 से 10 हजार यात्री आते जाते हैं। सम्मेलन के मद्देनजर एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों का आगमन भी से ही शुरू हो जाएगा। इस दौरान 64 विमानों के अतिरिक्त विमानों की आवाजाही बढ़ेगी। अनुमान है कि 20 से 24 जनवरी के बीच एयरपोर्ट पर प्रतिदिन 100 से अधिक विमान और 15 से 20 हजार यात्री आएंगे। एयरपोर्ट पर मेहमानों के खास स्वागत के लिए तैयारी की गई है। इस दौरान मेहमानों को स्पेशल चाय और काफी भी मिलेगी। आंकड़ों के अनुसार 2016 से 17 में एयरपोर्ट पर 104,837 विदेशी और 18,11,617 घरेलू यात्रियों का आना जाना हुआ था। 2017 से 18 में यह संख्या बढ़ गई 20.60 लाख। कुल यात्रियों में विदेशी यात्रियों की संख्या करीब 1.5 लाख थी। एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल कुमार राय ने बताया कि विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए बोर्ड लगाए जा रहे हैं, खास सजावट भी की जाएगी, शहर के लिए ट्रांसपोर्ट का खास व्यवस्था रहेगी। विदेशी मेहमानों के विमान से उतरने के बाद बाहर आने तक और वापसी में विमान पर चढ़ने तक CISF की टीम उनके साथ रहेगी।